डॉक्टर प्रसाद, एक ऐसी स्टडी आई, ये देखा गया कि अब जो आरटीपीसीआर है वो बहुत अच्छी तरह से कोरोना पॉजिटिव के रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है। उसमें अगर आप पॉजिटिव हैं तो भी नेगेटिव आ रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। ये एक भ्रांति हो सकती है, भ्रम हो सकता है, या कुछ हद तक सच्चाई सर हो सकती है इसमें। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और सीटी स्कैन खतरनाक हो सकता है? सर, सर्वप्रथम मैं बताऊं कि आरटीपीसीआर जो टेस्ट है इसकी सेंसिटिविटी 70-80% ही होती है। तो ये अभी जितने भी स्टडीज अभी हाल फिलहाल करके देखे गए हैं, तो ये इसमें ये आरटीपीसीआर पकड़ रहे हैं वो सारे वायरसेस को जो भी संक्रमित कर रहे हैं। अब इसमें क्या है कि जब रिपोर्ट्स आने में डिले हो रही है, जैसे 4 दिन 5 दिन का बैकलॉग चल रहा है, लेकिन मैं देखिए जहां तक सीटी स्कैन की आप बात कर रहे हैं कि सीटी स्कैन करा लेना चाहिए, तो क्या ये सीटी स्कैन आप लोग डॉक्टर के एडवाइस पे कर रहे हैं कि आप खुद ही करा रहे हैं जाके? कई क्योंकि अभी अभी आपने बताया कि 80-85% केसेस माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं जो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं, और सीटी के भी अपने हैजार्ड्स होते हैं, सीटी स्कैन से भी रेडिएशन मिलता है। तो जब कभी भी अगर मान लीजिए कि किसी को बीमारी हुई और उसको कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गया, उसको हाइपोक्सिया हो गया, उसको सेचुरेशन डिप करने लग गया, उसकी फीवर खांसी काफी तेज हो गई, ऐसे केसेस में सीटी इंडिकेटेड हो जाता है कि आप सीटी करा लें और उसकी ट्रीटमेंट कोविड वार्ड में शुरू कर दें। लेकिन सभी आदमी को अर्ली स्टेज में सीटी कराने के लिए नहीं जाना चाहिए। ये इससे काफी एक सीटी स्कैन सेंटर पे काफी लोड अप भी आ गया है और इसके हजार्ड्स भी हो रहे हैं। अब सीटी स्कैन अगर हम अर्ली करा लें, मान लीजिए कि जैसी धूम मची हुई है कि सीटी कराओ सीटी कराओ, डेली हमारे पास 50 से 60 लोगों की क्वेरी आती है कि डॉक्टर साहब आपने सीटी के लिए नहीं बोला। तो सीटी हम तभी कराते हैं जब जब ये केस माइल्ड, हम ये जज करते हैं कि ये केस अब थोड़ा सीवियरिटी की तरफ जा रहा है या उस पेशेंट का सेचुएशन गिर रहा है। और अगर हम अर्ली करा भी लेंगे तो उससे फायदे नहीं है। मान लीजिए अर्ली हमने करा लिया, सीटी सीवियरिटी स्कोर 2 आ गया, अब वो आदमी कंफ्यूजन में रहेगा कि हमारी इलनेस तो माइल्ड है, जबकि वो इलनेस प्रोग्रेस, ये बीमारी प्रोग्रेसिव होती है, किसी में प्रोग्रेसिव हो जाती है, किसी में डिक्रीज हो जाती है। तो ये भी एक कंफ्यूजन इस पेशेंट के और दिमाग में रहेगा कि हमारी इलनेस तो माइल्ड है। तो ऐसे केसेस में मैं ये कहना चाहूंगा आज तक के माध्यम से कि लोग डॉक्टर के एडवाइस पे ही अपनी सीटी कराएं उचित समय में। इसमें टाइमिंग काफी इंपॉर्टेंट है और ये सीटी का इंडिकेशन जब बनता है डॉक्टर से पूछ के ही कराएं। बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर कुमार, ये धारणा आम हो गई है सर कि अगर आपको, आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो भी आप सीटी करवाएंगे, अगर आपको लक्षण है कोरोना पॉजिटिव, आप नहीं हैं, आरटीपीसीआर में नहीं अगर कोरोना आया है, कोविड आया है, तो भी आप सीटी करवाएंगे। ये हम लोग जो एक चलन की तरफ बढ़ चले हैं सर, डॉक्टर कुमार, ये कितना गलत है या सही है, करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? जी हाँ, ये बिल्कुल गलत है। आज भी मेरे पास कम से कम 8 से 9 लोग आए सीटी कराए थे और उनके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं था। उन्होंने वहां पे रिपोर्ट लेके आए कि डॉक्टर ने बोला है कि सीटी करा लीजिए और सीटी स्कोर किसी का 2 है, किसी का 5 है, माइल्ड डिजीज है, उसमें सीटी की आवश्यकता ही नहीं है। अर्ली स्टेज में सीटी कराने का कोई एडवांटेज नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सीटी सिर्फ डॉक्टर की देखरेख में ही होना चाहिए और हम कब करते हैं तब लगता है कि पेशेंट को आईसीयू की आवश्यकता है या उसको प्लाज्मा थेरेपी कर सकता है या उसको रेमडेसिविर दें या ना दें, उसके लिए हम कराते हैं, सीवियर केसेस में कराते हैं। तो बार बार एक जो सीटी स्कैन होता है वो कई एक्सरे के बराबर होता है, उसमें बहुत ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर होता है और हर एक पेशेंट को सीटी की आवश्यकता नहीं होती, नंबर वन। दूसरा ये कि अपनी मर्जी से आप किसी भी रेडियोलॉजी सेंटर में ना जाएं, और क्योंकि हमने इस बार देखा है कि हमारे पास जो काफी सारे पेशेंट्स आ रहे हैं उनका आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है, उनको कोरोना के लक्षण है, क्लिनिकली दे आर फिटिंग इनटू कोरोना बट आरटीपीसीआर इज नेगेटिव, फॉर दैट इन दीज केसेस वी रिकमेंड सीटी स्कैन जस्ट टू सी द सीटी स्कोर, इफ इट इज करस्पोंडिंग विद द वायरल निमोनिया देन वी गिव द ट्रीटमेंट। सो अपनी मर्जी से ना कराएं और इसका दुरुपयोग ना हो, ये एक बहुत समझने की आवश्यकता है। ठीक है सर। डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा, डॉक्टर मल्होत्रा, जैसा कि खुद डॉक्टर सुरेश कुमार जी ने कहा अभी कि आरटीपीसीआर नेगेटिव है लेकिन हमारे जो लक्षण हैं वो कोरोना के हैं, तो ऐसे में सर हम क्या करें? डॉक्टर मल्होत्रा, हम जाएं सीटी स्कैन करवाएं या ना करवाएं, वेट करें थोड़े दिन, इंतजार करें सर?
जी, सबसे पहली बात तो ये है कि दूसरों की जो डॉक्टर्स नहीं है उनकी ओपिनियन पे ना जाए, क्योंकि घर वाले और व्हाट्सएप ग्रुप इतने ज्यादा आपके पीछे पड़ जाते हैं कि आपने सीटी स्कैन क्यों नहीं कराया, जी चाहे कोई भी हो। सबसे पहले तो वो ना करें। नंबर टू, अगर कोई फीवर वगैरह फीवर हुआ है या ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो कम से कम 4 या 5 दिन जरूर रुके, फर्स्ट सेकेंड डे पे ना जाए, कुछ मिलेगा भी नहीं। और अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो जरूर लक्षणों की इंतजार करें। जस्ट एक सीटी स्कैन कराने से कुछ नहीं बनेगा, बिना लक्षणों के ना कराएं। चलो और यस, और जो नॉर्मल दवाएं हैं, घरेलू दवाएं हैं, पैरासिटामोल वगैरह हैं, यही लेके काम चलाएं। आई थिंक उसी से काफी सारी चीजें हल हो जाती। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन लेकिन हुआ हुआ क्या सर कि एक एक डर इतना बढ़ गया है ना माहौल, जैसे आपने शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही कि आजकल व्हाट्सएप पे बहुत आपको मैसेजेस आ जाते हैं, सलाह बहुत ज्यादा दी जाती है, यार दोस्त फैमिली, गलत नहीं कहेंगे सर हम उन लोगों, क्योंकि सब चिंतित हैं, सब आपके लिए फिक्रमंद हैं, तो सब अपनी अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स पर करना चाहिए, सलाह पर डॉक्टर की अमल करना चाहिए, काम करना चाहिए। डॉक्टर हर्ष महाजन जी हमारे साथ। डॉक्टर हर्ष, आप हमें ये बताइए कि सीटी स्कैन होता क्या है और ये जब हम करवाते हैं तो हमारे शरीर पर, हमारी बॉडी पर इसका क्या असर होता है सर? बहुत बहुत शुक्रिया सैयद भाई। सर सीटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी है और ये एक 3 डायमेंशनल एक्सरे है। इसमें भी एक्सरे का ही इस्तेमाल होता है और बॉडी के बहुत महीन हम सेक्शंस काट सकते हैं, उसको 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। सो एक्सरे जो है वो 2 डायमेंशनल है, सीटी स्कैन 3 डायमेंशनल है। सो एक्सरे में जो चीजें दिखती नहीं है उनको भी हम पकड़ सकते हैं सीटी स्कैन में, और बहुत ही महीन तरीके से पकड़ सकते हैं, छोटी से छोटी बीमारी हम देख सकते हैं। सर अब जहां तक बात रही सीटी स्कैन कोविड-19 महामारी में, तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमारे देश में इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसको बहुत एक्सेस में किया जा रहा है और मरीज अपने आप तो शायद कम मांग रहे हैं इसके लिए, पर जैसे कहा गया व्हाट्सएप ग्रुपों की यूनिवर्सिटी बन गई है तो वो सजेस्ट कर रहे हैं। कई डॉक्टर भी हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं जहां की जरूरत नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है पूरी दुनिया में कि अगर आपको एसिम्टोमेटिक या माइल्ड डिजीज है तो सर आपको सीटी स्कैन की रत्ती भर जरूरत नहीं है। और दिल्ली शहर में नहीं, बंबई, बैंगलोर, अहमदाबाद, पूरे देश में लोग भाग रहे हैं सीटी स्कैन कराने के लिए। आपके आज तक के माध्यम से ही पहले भी मैंने बोला है सर कि सीटी स्कैन कोई मंदिर का प्रसाद नहीं है जिसको लेने के लिए आपको जाना बिल्कुल, पड़े। कोरोना हमारे देश में बहुत डरा रहा है, उस पर काबू पाने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कोरोना बेकाबू है, वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। हमारे साथ इस वक्त 4 डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल है जो हमें सीटी स्कैन के खतरे, सीटी स्कैन कब करवाया जाए, कैसे करवाया जाए, उस पर जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने वैक्सीन से लेकर उन तमाम रास्तों पर खास बात की जो कोरोना से जंग में हथियार हैं, हमारी सहयोगी स्नेहा के साथ। सोचा नहीं था कि वायरस इतना म्यूटेट करके इतना इंफेक्शस हो जाएगा कि रेट ऑफ राइज ऑफ केसेस 4 लाख तो कई लोगों ने सोचा था हो सकता है, पर ये सोचा था कि आस्ता आस्ता 4 लाख होंगे। जैसे पिछली दफा केसेस आस्ता आस्ता बढ़े थे तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को समय मिला और पेशेंट्स का टर्न अराउंड टाइम भी था कि जो दाखिल हुए हैं वो 7-8 दिन में जब तक डिस्चार्ज हुए तब तक ही केसेस बढ़े, तो और पेशेंट्स को लेने की कैपेसिटी हमारे पास थी और हम और नए फैसिलिटीज खोल पाए। लेकिन इस दफा एक दो चीजें हुई हैं, एक तो केसेस एकदम बढ़े हैं क्योंकि वायरस बहुत ज्यादा फैला है, और रेट ऑफ राइज अगर हम स्पाइक को देखें तो स्पाइक ऑलमोस्ट वर्टिकल है। इसका ये मतलब कि हम 10,000 और 20,000 केसेस से 4 लाख केसेस जो हैं कुछ ही दिनों में इस नंबर पे पहुंचे। इतना ज्यादा नंबर हुआ कि जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो सडन इतने ज्यादा पेशेंट्स को सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैनेज नहीं कर पाया, और इसलिए चाहे हम ऑक्सीजन की बात करें, आईसीयू बेड्स की बात करें, उसमें एकदम शॉर्टेज आ गई। सिटी को ही देख के चीजें समझनी चाहिए, और सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक
की जो कैपेसिटी है वो आस्ता आस्ता ही बढ़ेगी। वो नए प्लांट्स लगा रहे हैं और लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन टेक्नोलॉजी और वैक्सीन प्लांट लगाना थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी सी हाई एंड की है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं या और दवाइयां बनाते हैं कि हम एक प्लांट खोल जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें काफी हाई एंड इक्विपमेंट और की जरूरत पड़ जाती है वैक्सीन बनाने में, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। उसके उस दौरान में हम ये भी कर सकते हैं कि जो वैक्सीन बाहर बन रही हैं, जो अवेलेबल हैं और जिनको अब रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है, उनको हम प्रोक्योर करने की कोशिश करें, जिससे हमारे वैक्सीन पूल बढ़ जाए, चाहे वो स्पुटनिक वैक्सीन हो, फाइजर की हो, मॉडर्ना हो, तो ये भी हमारे पूल में आ जाए। और साथ साथ ये कैपेसिटी हमारे जो इंडिजिनियस जो लोग भारत में जो बन रही है वैक्सीन, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट की हो, भारत बायोटेक की, वो भी उनकी प्रोडक्शन भी बढ़े और लोग और कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके और प्लांट्स में भी वैक्सीन बनना शुरू हो, तभी हम अपने पूरे देश की वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाएंगे। वैक्सीन पर डॉक्टर गुलेरिया यहां पर बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सीटी स्कैन के बारे में भी कहा और ये कहा है कि सीटी स्कैन से कैंसर तक हो सकता है अगर आप इसे करवाएं तो। डॉक्टर राकेश नाथ, डॉक्टर हर्ष महाजन, डॉक्टर सुरेश कुमार और डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा चारों हमारे साथ हैं। डॉक्टर हर्ष, आप अपनी बात प्लीज पूरी कीजिए, आप कुछ पॉइंट्स पर जोर दे रहे थे और साथ ही साथ सर ये भी हमें बता दीजिए कि क्या ये इतना खतरनाक होता है सीटी स्कैन की एक सीटी स्कैन 300 एक्सरे के बराबर होता है, ये डॉक्टर गुलेरिया ने कही है ये बात। ये देखिए, डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है, वो मेरे मित्र हैं, ये पहले होता था, 15-20 साल पहले की जो टेक्नोलॉजी थी, जो सीटी स्कैन थे, तब था कि एक सीटी स्कैन जो छाती का है वो 300 एक्सरे के बराबर होता था। आज की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई और ये इसलिए बदली कि हम सब रेडियोलॉजिस्ट ने, डॉक्टरों ने, सोसाइटी ने, कंपनियों को कहा कि रेडिएशन कम होनी चाहिए। तो आज की जो मशीनें हैं और जैसे हम ये सीटी स्कैन चेस्ट का करते हैं, तो ये कोई 4 गुना कम हो गई रेडिएशन। आज की डेट में एक सीटी स्कैन कोई 60 या 70 चेस्ट एक्सरे के बराबर है, 300 नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, एक जो चेस्ट सीटी है उससे किसी तरह की कैंसर या ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं होने वाली। और ये हम लेके चले कि सीटी तभी करना चाहिए जबकि सीटी का फायदा जो हमें मिलने वाला है बीमारी को डायग्नोज करने में, वो रिस्क से ज्यादा हो। और ये रिस्क जो है इसको ओवर एस्टिमेट किया गया है क्योंकि पुराने आंकड़े चल रहे हैं। ठीक है, अब सीटी करना किस केस में चाहिए? जहां पे माइल्ड या एसिम्प्टोमैटिक डिजीज है वहां बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यही हमारी प्रॉब्लम हो रही है कि हर आदमी आ रहा है कि मेरा कर दीजिए। नंबर दो, जब ऑक्सीजन कम होता है, हाइपोक्सिया में मरीज जाता है, 94 से नीचे ऑक्सीजन जाता है, तब भी आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, ठीक है सर, कि आपको सीटी चाहिए या नहीं चाहिए। और बाकी और टेस्ट हैं, आपकी क्लिनिकल कंडीशन है, उन सबको देख के फिर सीटी किया जाता है। और तब सीटी बहुत अच्छी चीज है सर, आपने बहुत बहुत विस्तार से ये सारी बातें बता दी हैं, काफी कंफ्यूजन डॉक्टर महाजन इस पर था। डॉक्टर प्रसाद मान लीजिए एक केस स्टडी हमारे सामने आई, वो ये है सर कि किसी को कोरोना हुआ और उसके बाद वो ठीक हो गए, लेकिन इस कोरोना के बीच में उनसे उनका डॉक्टर ने सीटी स्कैन भी करवाया, तो क्या ठीक होने के बाद एक बार फिर से सीटी स्कैन डॉक्टर राकेश नाथ करवाना चाहिए? ठीक होने के बाद सीटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हमारे जितने भी गाइडलाइंस हैं उसमें भी बड़ा क्लियर गाइडलाइंस में भी दिया हुआ है कि एक बार जब आप ठीक हो गए तो सीटी स्कैन कराने की अनुमन जरूरत नहीं पड़ती है, अनलेस अंटिल की, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कंटिन्यूअस हाइपोक्सिया, उसका सेचुरेशन लो है, फाइब्रोसिस डेवलप हो गया या उसके उसने लंग डैमेज कर दिया, तो ये स्पेशल कंडीशन में करते हैं। लेकिन अनुमन किसी को भी, एक बार अगर वो 10 दिनों से ठीक है, पिछले 3 दिनों में उसको अगर बुखार नहीं आया है, तो गाइडलाइन क्लियर कहती है कि वो आदमी अब ना संक्रमित कर सकता है किसी को, ना उसको वो बीमारी उसके शरीर में है। क्योंकि जो हम आरटीपीसीआर भी उसके बाद हम करते हैं, इवन नॉट ओनली सीटी स्कैन, आरटीपीसीआर उसकी भी कराने की जरूरत नहीं है।
है सर, मतलब क्योंकि एक बार वो जो ठीक हो भी गए तो आरटीपीसीआर भी पकड़ता है तो डेड वायरस पकड़ता है, ठीक है सीटी सर। स्कैन की तो कतई जरूरत नहीं। ठीक है, अगर आप हो गए ठीक तो फिर आपको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। यस डॉक्टर सुरेश एग्जैक्टली, कुमार जी अनलेस अनटिल स्पेशल जी केसेस में जिसमें ज्यादा डैमेज हो गया, उसमें फाइब्रोसिस सेटिंग कर गया, तो कुछ केसेस बहुत ही माइल्ड होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, और वो उसके लिए डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि इनकी सीटी करा के हमें रेसिडुअल डैमेज देखना है या नहीं देखना। बिल्कुल सर। डॉक्टर बल्होत्रा आपके पास आए, उससे पहले डॉक्टर सुरेश के पास हम स्टेराइड्स को लेकर जाना चाहते हैं। अब हुआ क्या है डॉक्टर मल्होत्रा, डॉक्टर सुरेश की जैसे ही कोई बीमार पड़ा, जाहिर सी बात है वो चिंता है, चिंता में क्या करते हैं सारे रिश्तेदार दोस्त लोग, ये दवाई ले लो, ये दवाई ले लो, फेवीफ्लू ले लो, रेमडेसिविर इकट्ठा करके रख लो और तुरंत स्टेराइड लगवा लो ताकि आगे कोई ज्यादा खतरा ना हो। तो सर क्या ऐसा हमें करना चाहिए? कई बार क्या होता है कि हम लोग डॉक्टर्स पर भी दबाव बना देते हैं कि नहीं सर आप ठीक से इलाज नहीं कर रहे हैं, नहीं सर आप सीटी स्कैन नहीं करवा रहे हैं, नहीं, डॉक्टर साहब आप तो हमें स्टेराइड लगवा दो। तो ऐसे में डॉक्टर सुरेश कुमार जी क्या किया जाए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है मेरे से, और यह बहुत आवश्यक है जानना कि स्टीरोइड्स के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं और स्टीरोइड कब कोरोना में हेल्पफुल होता है, फायदा करता है। यदि ऑक्सीजन लेवल आपका 94 से ऊपर है, स्टीरोइड की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी स्टीरोइड नहीं देना चाहिए। यदि ऑक्सीजन लेवल 93 से कम आता है और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तभी स्टीरोइड हम क्लिनिकली इंडिकेटेड करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टीरॉयड यदि आपने ज्यादा दे दिया, सर मान लीजिए 60 मिलीग्राम दे दिया या 100 मिलीग्राम दे दिया, तो उससे क्या होगा कि फंगल इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। दूसरा, ज्यादातर पेशेंट कोरोना के डायबिटिक्स होते हैं, प्री डायबिटिक्स होते हैं, वेल नोन डायबिटिक्स होते हैं, तो उनका शुगर हमने देखा कि अभी हमारे पास 1270 आज पेशेंट्स हैं, उसमें से कम 200 पेशेंट ऐसे हैं जिनको डायबिटीज ऑलरेडी इंसुलिन पे चल रहे हैं, तो उनको यदि हम स्टीरॉयड देते हैं तो उनका जो ब्लड शुगर का लेवल है वो 100 से 200 ज्यादा जंप कर जाता है। तो बड़ा सोच समझ के क्लिनिकली यदि हम हमें लगता है कि पेशेंट को स्टीरॉयड देने से फायदा होगा, तभी देना चाहिए जब ऑक्सीजन कमी है, या तब देना चाहिए कि लगता है कि यदि ये एक्सरे में लगता है कि बहुत तेजी से ये फैल रहा है, फाइब्रोसिस ज्यादा हो रहा है, तो स्टीरॉयड इंडिकेटेड है, अदरवाइज नुकसान स्टीरॉयड से ज्यादा है। यदि आपने पहले डे वन पे स्टीरॉयड स्टार्ट कर जी दिया और टेम्परेचर है नहीं आपको और स्टीरोइड दे दिया, माइल्ड डिजीज है, तो ये उल्टा नुकसान करेगा और ये वायरस की जो मल्टीप्लीकेशन है वो बढ़ा देगा। यानी कि आपने हल्के जी कोविड में स्टीरोइड दे दिया तो बीमारी को डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा। सो स्टीरोइड शुड नॉट बी गिवन इन द माइल्ड डिजीज एंड दोज केसेज वेयर ऑक्सीजन लेवल इज मेंटेन्ड अबाउट 94। सर, ये तो बहुत अच्छी बात बताई और ये बहुत बहुत डराने वाली बात भी है सर कि मतलब आप अपनी बीमारी को बढ़ा रहे हैं अगर इस तरह से करते हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मल्होत्रा सर, आप प्लीज हमारा हमारा भ्रम दूर कीजिए सर, हमारा डर दूर कीजिए। क्या हो रहा है सर आजकल? देखिए क्योंकि कोरोना के पेशेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो आरटीपीसीआर टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है, और अगर हो भी रहा है तो रिपोर्ट सर बहुत ज्यादा देर में आ रही है, एंटीजन तो हो ही नहीं रहा, मना कर दिया कि एंटीजन के लिए किट्स ही नहीं है हमारे पास। तो ऐसे में सर अगर हमें लक्षण अगर मान लीजिए आते हैं तो हम क्या तुरंत अपना किसी डॉक्टर की सलाह पर घर में इलाज शुरू करवा दें? और साथ ही साथ सर आप ये भी बताइए कि हम सीटी स्कैन, स्टेराइड्स, रेमडेसिविर, इन सब चीजों से कितना बचें? ये लाइफ सेविंग बिल्कुल भी नहीं। जी अंसारी जी, बहुत अच्छी सी बात आपने पूछी है। बिकॉज जो मेन मुद्दा है दैट इज हमारे शरीर की इम्यूनिटी। अगर हमारे इम्यूनिटी है तो हमें इन किसी दवाई की जरूरत ही नहीं है, कोरोना आएगा छू के चला जाएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि हम अगर अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव करें, और वो बेस्ड है 4 पिलर पार्टनरशिप है। 4 पिलर्स क्या है? आप अच्छे से अपना एक्सरसाइज कीजिए रोज रेगुलरली। ये मैं मुद्दा अलग ले जा रहा हूँ थोड़ा सा, बट दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी बिकॉज ये आप सब कर सकते हो। एक्सरसाइज करिए, सर ठीक से रेस्ट लीजिए कम से कम 6 से 8 घंटे का, और अपना न्यूट्रिशन इंप्रूव कीजिए और अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। क्या हो रहा है कि लोग, काफी सारे लोग हमारे पास इसलिए वापस आ रहे हैं कि जी उन्होंने न्यूज में ये सब देख लिया, नहीं कुछ इश्यूज निकल रहे हैं। सर दिस इज
हाँ आप ठीक कह रहे हैं सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं देखिए भ्रम दूर करने की, और इसीलिए पूछ रहे हैं। जी सर सर जी मैं आपको बीच में इसलिए रोक लिया क्योंकि समय बहुत कम है, एक एक रिएक्शन हम चारों से आपसे लेना चाहेंगे एंड में। लेकिन डॉक्टर मल्होत्रा हमें जल्दी से ये भी बता दीजिए सर कि वो हार्ट अटैक्स भी बहुत हो रहे हैं इस दौरान, और ये कहा जाता है कि आप डिस्प्रिन खा लीजिए, एस्प्रिन डिस्प्रिन खा लीजिए ताकि ब्लड आपका पतला रहे और आप हार्ट अटैक के खतरे से बचें। इसमें सर जी हम लोग क्या कर रहे हैं सर कि हम बीमार नहीं हैं तो भी खा ले रहे हैं, हल्का सा बुखार आ रहा है तो भी खा ले रहे हैं, मतलब डर इतना हो गया है सर कि बीमार होने से पहले हम दवाइयां खानी शुरू कर दे रहे हैं, और हमें ये लग गया है सर कि ये कोरोना से बचाव की ये दवाइयां हैं 4, 5, 6 जो आपने बता दी हैं, चाहे वो फेबीफ्लू हो या जिंकोविट ले रहे हैं लगातार सभी लोग ले रहे हैं घरों में, और ये डिस्प्रिन और एस्प्रिन की बात आ गई, तो इस पे सर प्लीज भ्रम दूर कर दीजिए। हाँ, एक तो ये है कि व्हाट्सएप में जितने डॉक्टर्स की पर्चे हैं वो सब घूम रहे हैं, और किसी भी सदस्य को, व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य को, परिवार के सदस्य को, उसको बेचारे को 6 प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती हैं और उन्हीं की खिचड़ी बना के वो खाने लगता है ताकि वो बिल्कुल बचे रहें, जो कि अनुचित है और जो कि गलत है, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करने की बात है। जहां तक कि डिस्प्रिन का सवाल है, डिस्प्रिन 75 मिलीग्राम अगर कोई ले रहा है तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी 35 के ऊपर वैसे भी कहा जाता है कि आप एक डिस्प्रिन 75 मिलीग्राम ले सकते हैं अगर आवश्यकता है तो, क्योंकि कोरोना में यही माना जाता है कि खून अंदर जम रहा है, इसलिए लोग 75 मिलीग्राम का लेते हैं, बट ये लेना चाहिए कि हमें ना हो कोरोना, इसलिए हम ठीक है। सर समय खत्म हो गया है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर राकेश नाथ, डॉक्टर हर्ष महाजन, डॉक्टर सुरेश कुमार और डॉक्टर अश्विनी मल्होत्रा जी, आप आज आपने चारों ने बहुत सारे भ्रम दूर किए हैं सर, और आरटीपीसीआर हो, रेमडेसिविर हो, एक्सरेज हो, दवाइयां हो, आप सब ने एक स्वर में ये कहा है कि नहीं, डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल मत लीजिए और बिना जरूरत के तो बिल्कुल मत लीजिए। आप चारों का बहुत धन्यवाद हमारा ये भ्रम दूर करने के लिए, हमारे साथ आज तक के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को ये बताने के लिए बहुत धन्यवाद।